Hello friends, I am Lakshmikant Kapgate. Welcome back to my YouTube channel. I am going to focus on the poem A Lament that is composed by P.B. Shelley. Dear friends, there are so many poems that are very popular around the globe composed by P.B. Shelley. But today, I am going to just be limited to this poem, A Lament. Dear friends, A Lament was written in 1821. By P.B. Shelley, in which he is talking about his grief, his pain, his internal pain or internal disappointment with his life, and he realized that he would never or he would not live for a long time in the coming days or in his lifespan. And as we have seen the biographical details of this poet, he was suffered many times in his lifetime. Many times he was not able to do or he was incapable to do many things, or he was not able to enjoy the pleasure in his life, in his youth. And that is why the grief is coming out in the form of this lament. So, let us see and enjoy the beauty of this poem. Dear friends, पी बी शेली ये जो है ये 1792 और 1822 के बीच में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया. इनके ग्रेटनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ दिस पोएट, वन ऑफ द फेमस लिटरेरी क्रिटिक हेरोल्ड ब्लूम डिस्क्राइब हिम एज अ सुपर क्राफ्ट्समैन, अ लिरिक पोएट विदाउट एनी राइवल, एंड श्योरली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्केप्टिकल इंटेलेक्ट एवर टू राइट अ पोएम. उनके बहुत सारे फेमस पोएम से हमने जब कुछ निकाला तो उन्होंने ओजिमेंडिस, ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काई लार्क, और उनका फेमस पॉलिटिकल बैलेड द मास्क ऑफ एनार्की भी उनमें शामिल है. तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही काफी नहीं, पी बी शेली वॉज बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यंग पोएट दैट इज ऑल्सो नोन एज द लेट रोमांटिक्स. लेट रोमांटिक्स में जॉन किट्स, पी बी शेली और लॉर्ड बायरन इनका नाम शामिल होता है. और अर्ली रोमांटिक्स में विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी एंड एस्टी कॉलरिज, इन तीनों का नाम आता है. तो दोस्तों, इन गिने चुने नाम में पी बी शेली वॉज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पोएट इन द गैलेक्सी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो दोस्तों, चलो इस पोएम को देखते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या है. लैमेंट मींस अपना दुख व्यक्त करना. लैमेंट मींस कमेमोरेट करना किसी बात पे, किसी सिचुएशन पे, किसी व्यवस्था पे. तो दोस्तों, इस पोएम में पी बी शेली लिखते हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लिम, ट्रेम्बलिंग एट That where I had stood before, when will return the glory of your prime? No more, oh, never more. Now see what is the meaning of this first stanza. In this stanza, the poet P.B. Shelley presents his pathetic thought. Means, in other words, we can say that Lament is one of the most pathetic poem composed by P.B. Shelley. And every word, every important words of this poem or every syllable of this word is presenting his disappointment of life. Why? Because he failed in his life, and that is the result, or that is the the reflection that we find in this poem. He imagined that he is standing on the last step of his life, and that is why he addressed to his life, on whose last step I claim. He says, ki trembling at once at that where I had stood before. Trembling ka matlab shaking or quivering. Nahi, abhi wo apne dar se bahut hi kaap raha hai. Aur wo bolta hai ki trembling at that where I stood before. Matlab, maine jo apne yuvavastha mein jo bhi happiness enjoy kiya, जो भी आनंद का मजा लिया, वो अभी यहाँ पे होगा कि नहीं,
या मुझे आगे मिलेगा या नहीं, इसके बारे में वो थोड़ा कंफ्यूजन में है। और ही ऑलवेज रिग्रेट्स दैट हिज यूथफुल विगर एंड जॉय विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर, एंड दैट इज वाई ही आस्क अ क्वेश्चन कि वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। प्राइम का मतलब मेरा जो एक युवावस्था थी, मेरा जो एक हैप्पीएस्ट काल था या जो पीरियड था, वो मुझे अभी उतना आनंद देगा कि नहीं, ये इसके बारे में वो बोलता है। और वो रियलिटी भी समझता है। रियलिटी क्या है कि नो आई कैन नॉट एंजॉय द बाइगॉन डेज, आई कैन नॉट गेट बैक द ग्लोरी ऑफ माई प्राइम टाइम, ही सेज। एंड दैट इज वाई इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टांजा ही सेज कि नो मोर आई कैन नॉट एंजॉय द ब्यूटी द हैप्पीनेस एंड द ग्लोरी ऑफ माई यूथ ऑफ माई बाइगॉन और द पास्ट डेज, ही सेज। एंड ही सेज कि ओह नेवर मोर, कभी भी नहीं। दूसरे स्टांजा में देखते हैं। सेकेंड स्टांजा ऑफ दिस पोएम इज स्टार्ट्स लाइक दिस, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओह नो मोर। इनके दूसरे स्टांजा में दोस्तों हम देखते हैं, या जी इन दिस कंक्लूडिंग स्टांजा वी फाइंड दैट हियर द पोएट पी बी शेली फील्स दैट द डेज एंड नाइट आर डल, आर यू नो विदाउट एनी प्लीजर, आर विदाउट विदाउट एनी जॉय, विदाउट एनी हैप्पीनेस, मीन्स जॉयलेस द डेज आर। द जॉय ऑफ हिज लाइफ हैज डिसअपीयर्ड इन फ्रॉम हिज लाइफ, एंड दैट इज वाई ही सेज दैट फ्रेश स्प्रिंग, दैट फ्रेश समर, दैट विंटर आई कैन नॉट एंजॉय और आई कैन नॉट गेट दैट डेज बैक इन माई लाइफ, ही सेज। एंड द रिजल्ट इज दैट मो माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है, वो बहुत ही दुख से भरा हुआ है, और वो एक आनंद की, एक खुशी की तलाश में वो है, लेकिन उसको वो वैसे दिन अभी वापस नहीं मिल सकते। और वो बोलता है कि नो मोर ओ नेवर मोर, एंड दैट इज वाई ही यू नो कंडोल्स, और वी कैन से ही कन्फेस दैट ही रियलाइज दैट द रियलिटी ऑफ लाइफ, द रियलिटी ऑफ द टाइम ऑल्सो, कि द टाइम इज वेरी क्रूअल, एंड दैट टाइम ऑल्सो टेल्स हिम दैट ही रियलाइज दैट दैट द डेज वुड नेवर कम बैक टू हिम और दैट डेज विल नेवर रिटर्न टू हिम। सो आई होप दैट माई डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस टू स्टांजास। इन दिस पोएम ओनली 10 लाइन्स आर रिटन बाई और ओनली 10 लाइन्स आर कंसिस्टेड और इंक्लूडेड। दिस पोएम यू कैन कंसिडर एज अ स्पेसिमन ऑफ शेलीज लिटरेरी गिफ्ट एज वी गो इन दी डीप ऑफ दिस पोएम। नाउ माई डियर स्टूडेंट इट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द पैथेटिक डिसअपॉइंटमेंट और द फीलिंग ऑफ डीप मेलंकली ऑफ अ पोएट। एंड पी बी शेली हैज यूज द राइमिंग स्कीम दैट इज AABAB, दैट इज यूज और दैट इज रिटन इन अ आयम्बिक ट्राइमीटर। सो दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड दिस पोएम माई डियर स्टूडेंट। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। इन द कमिंग डेज वी विल बी मीटिंग विथ अनादर वीडियो, अनादर टॉपिक इन दिस ऑन दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।